हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के जो 1500 से लगभग 2000 के आसपास महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज देख रहे थे, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे के सारे मैप के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं, और उसके साथ साथ जितने भी प्रश्न हैं, वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आसो पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, हमारे सामने जो है आपको क्वेश्चन ये है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको भील जनजाति, वो आपको गुजरात में पाई जाती है, सही है। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है, ये भी सही है। उसके साथ साथ संथाल जनजाति, आपको ये संथाल आपको छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपको गलत उत्तर हो जाएगा। और पूछा कौन सा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा सही उत्तर यही होगा, क्योंकि संथाल जो जनजाति है, ये आपको झारखंड ये सब क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए आपको ये गलत हो जाएगा। खासी जो जनजाति है, वो आपको मेघालय के क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। आपको मेघालय के क्षेत्र में गारो के साथ साथ, खासी के साथ साथ आपको एक जयंतिया जनजाति है, ये तीनों के तीनों आपको जो है ना कहाँ पे पाई जाती है, ये तीनों के तीनों आपको मेघालय में पाई जाती है जनजातियां, गारो खासी जयंतिया। तो ये सब याद करते रहिएगा। भील गुजरात में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। मेघालय में आपको गारो खासी जयंतिया जो है ना जनजातियां पाई जाती है, ये भी सही है। संथाल जनजाति ये झारखंड के क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, तो इसलिए इसका सही उत्तर जो है ना आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, संथाल निवासी है, संथाल जो निवासी है वो कहाँ के निवासी हैं। तो अभी जस्ट हमने बताया, ये आपको झारखंड ये सब क्षेत्र में पाई जाने वाली आपको जनजाति है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सब के साथ साथ त्रिपुरा में भी ये जनजाति पाई जाती है। इसलिए जो संथाल निवासी है, उसकी अगर मैं बात करूं, तो वो कहाँ के, ये पूर्वी भारत में, जितने भी आपको राज्य हमने बताया, ये पूर्वी भारत में आने वाले हैं। जब आप भारत का मैप बनाइएगा, तो आपको जो है ना ये पूर्वी भारत में आने वाली जनजातियां हैं, इसलिए आपको बोल सकते हैं कि संथाल निवासी जो है ना, आपको मैंने जस्ट बताया, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ साथ त्रिपुरा में जनजातियां पाई जाती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्वी भारत में पाई जाने वाली ये जनजातियां हैं। आगे की ओर बात करते हैं। ठीक है, गद्दी, गद्दी की अगर मैं बात करूं, तो ये गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं, तो गद्दी हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। गद्दी जो जनजाति है, वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। गद्दी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, आपको हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है, दिवाली को शोक का त्योहार मानने वाली कौन सी जनजाति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थारू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको थारू जो है ना, वो दिवाली को सिर्फ शोक का त्योहार मनाती है। ठीक है, दिवाली को शोक का त्योहार आपको मानने वाली जनजाति कौन सी है, थारू है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, मतलब किस राज्य में जनजातियां नहीं निवास करती हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हरियाणा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जनजातियां हैं, छत्तीसगढ़ में भी जनजातियां निवास करती हैं, कर्नाटक में भी हैं, मतलब आपको हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पे जनजातियां निवास नहीं करती हैं। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है, मतलब भारत की कौन सी ऐसी जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति होती है, उससे संबंधित है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से कौन सी जनजाति संबंधित है, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है, वो आपको संथाल जो क्षेत्र है, मतलब जो आपको झारखंड का क्षेत्र है, उधर की ओर जो है ना ये प्रजाति पाई जाती थी, उधर की ओर ये जो है ना आपको जनजाति मिलती है देखने को, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संथाल। आगे की ओर बात करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कुछ आपको क्वेश्चन है जिसको जोड़ी के जरिए आपको मिलाना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको गोंड का पता है। ठीक है, तो गोंड की अगर मैं बात करूं, तो गोंड जो है ना आपको मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, गोंड पाई जाती है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में गोंड हो गया, जो जो आपको पहले आता है उसको मिला लीजिए। ठीक है, थारू की अगर हम लोग बात करते हैं,
या जो है आपको थारू जनजाति आपको उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। यही जनजाति जो है ना आपको दिवाली को शोक का त्योहार मानती है, दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है, ठीक है। अब जो है ना कुकी की अगर मैं बात करता हूँ, कुकी जनजाति आपको मणिपुर में पाई जाती है। कुकी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। और उसके बाद जारवा जो जनजाति है वो आपको अंडमान और निकोबार में पाई जाती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे के सारे। मैंने बताया कि अंडमान और निकोबार में जो है जनजाति पाई जाती है वो जारवा है, ठीक है। कुकी जो है ना आपको मणिपुर में, कुकी कहाँ पे आपको? मणिपुर में पाई जाने वाली जनजाति है। कुकी मणिपुर में पाई जाने वाली जनजाति है। थारू आपको मैंने अभी जस्ट बताया उत्तर प्रदेश, और उसके साथ साथ बोंड जो है ना मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। तो इस तरह से सही उत्तर जो भी होगा आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो जारवा किस में? अंडमान निकोबार में। ए का फोर, ए का कौन सा? फोर, बस एक ही ऑप्शन में है। अगर शायद आपको केवल जारवा भी पता होता तो आप कर लेते। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ठीक है। कुकी आपको मैंने बताया मणिपुर, ठीक है। उसके बाद थारू उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। आगे की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपको लक्षद्वीप है, ठीक है। भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। जैसे देखिएगा, हमने भारत के सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को बताया, और आपको इसके अलावा जनसंख्या के दृष्टि से भी आपको लक्षद्वीप सबसे छोटा है। आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है ही आपको लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, उसके साथ साथ आपको सबसे छोटा जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के मामले में भी है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार मैं इसकी जनसंख्या की बात करूं तो मात्र 64,000 के आसपास इसकी जनसंख्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार बात करूं तो लक्षद्वीप एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला है, और उसकी जनसंख्या लगभग 64,000 के आसपास है, ठीक है। लक्षद्वीप के अंदर जो है ना आपको 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप के अंदर कितने द्वीप आते हैं, ठीक है? 36 आते हैं। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप आते हैं। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो आप लोग थोड़ा सा मैप को याद करिएगा, तो आप मैप को याद करिएगा तो आपको जो है बेहतर तरीके से जो है ना किसी भी क्वेश्चन को समझने में आसानी होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो राजस्थान, जैसे ही आप मैप बनाएंगे ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में आपको सेंटर में क्या है, आपको मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये आपको राजस्थान की सीमा को छूता है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान की सीमा को छूता है, ठीक है। गुजरात, ये रहा आपको गुजरात, गुजरात की सीमा से भी, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, ये गुजरात। तो मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से भी लगती है, गुजरात से भी लगती है। ये रहा आपको महाराष्ट्र नीचे की ओर, तो इस तरह से जो है ना महाराष्ट्र से भी जो है ना इसकी सीमा लगती है। झारखंड से इसकी सीमा नहीं लगती है, झारखंड इधर कहीं पे है इसलिए झारखंड से इसकी सीमा नहीं लगती है, ठीक है। क्योंकि राजस्थान अगर बिहार ऑप्शन में रहता तो बिहार से भी इसकी सीमा नहीं लगती है। हाँ, उत्तर प्रदेश रहता तो उत्तर प्रदेश से जो है ना मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। हम लोग जब मध्य प्रदेश से बिहार की ओर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश क्रॉस करके ही जाना होता है। हम लोग देखते हैं आपको राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान से भी सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, गुजरात से भी सीमा लगती है आपको मध्य प्रदेश की, आपको उसके साथ साथ जो है ना महाराष्ट्र से भी सीमा लगती है किसकी, मध्य प्रदेश की। रह गया आपको झारखंड, तो झारखंड से जो है ना आपको सीमा इसकी नहीं लगती है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे की ओर, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो भारत का इसका सिंपल सा उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ना भारत के कुल जो है ना कुल टोटल अगर जो है ना बात करूं तो सबसे पहली बात कुल 8 राज्य के साथ जो है ना ये आपको सीमा टच करती है उत्तर प्रदेश के। 8 राज्यों के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ भी जो है ना उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ठीक है। तो आपको केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? आपको पता ही है दिल्ली। दिल्ली जो है ना आपको केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है। मैप के जरिए भी अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो है मैं आपको मैप के जरिए जो है सारे स्टेट का नाम भी बताऊंगा। पहले मैं स्टेट जो है ना यहाँ पे काउंट करवा देता हूँ। सबसे पहला जो है ना आपको हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है। ये सारे जो है मैंने 8 स्टेट गिनवाए,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड से आपको उत्तर प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। उसके साथ साथ एक और जो है ना आपको केंद्र शासित प्रदेश है जो कि जिसे हम लोग दिल्ली कहते हैं, वो दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। मतलब आठ जो है राज्य और उसके साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, मैप के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये रहा आपके सामने मैप। ठीक है, देखिएगा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो है ना ये रहा। अब सबसे पहले अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, मध्य प्रदेश की सीमा जो है ना किस राज्य से नहीं लगती थी, तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा आपको, झारखंड होगा। तो देखिएगा यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजस्थान से सीमा इसकी लग रही है कि नहीं लग रही है, लग रही है। गुजरात से लग रही है, ठीक है। मैंने महाराष्ट्र से बताया था, महाराष्ट्र से लग रही है, ये महाराष्ट्र है, तो ये आपको महाराष्ट्र से भी इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, गुजरात से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है। ठीक है, उसके साथ साथ ये रहा आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगती है। मतलब मध्य प्रदेश की सीमाएं पांच राज्यों को छूती है। कितने राज्यों को छूती है, मध्य प्रदेश की सीमाएं पांच राज्यों को छूती है। ठीक है, पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मैप के जरिए याद करिए, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आपको जो है ना मैंने बताया उत्तर प्रदेश, और आपको पांचवा क्या हो जाएगा इसका, आपको छत्तीसगढ़। तो ये पांच राज्यों से जो है ना मध्य प्रदेश की सीमाएं छूती हैं। और रही बात झारखंड की, तो देखिए झारखंड से इसकी सीमा नहीं लग रही, ये रहा आपको झारखंड, ये क्या रहा आपको झारखंड, इसकी सीमा जो है ना झारखंड से नहीं लगती है। ठीक है, ये रहा आपको, ये आपको बिहार है, तो इससे भी जो है ना इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, अभी हम लोगों को देखना था कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उससे कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा ये रहा आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में मैंने अभी जस्ट बताया कि ये आठ राज्यों को छूती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बिहार, बिहार एक हो गया, एक उसके साथ साथ जो है ना आपको उत्तर प्रदेश से ये झारखंड रहा, झारखंड की भी सीमा लगती है, दो हो गए। इसके बाद जो है ना छत्तीसगढ़ की भी सीमा आपको उत्तर प्रदेश से लगती है, देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ तीन। उसके साथ जो है ना आपको मध्य प्रदेश, ये चार हो गया। उसके साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश से राजस्थान की सीमा भी लगती है, ये पांच हो गए। ठीक है, तुमने देखा कहाँ पे थे अपन लोग, अपन लोग थे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो मैंने बताया आठ, ये आपको उत्तराखंड हो गया। इस तरह से टोटल आपको उत्तर प्रदेश की सीमा आठ राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा आठ राज्यों को और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छूती है। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिकतम राज्यों को छूती है, तो इसका मैंने उत्तर बताया कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के आठ राज्यों को छूती है। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको कुछ आपको जो है ना राज्य हैं और उसकी राजधानियां, आपको जो है ना दो लिस्ट बनाए गए हैं, उन लिस्ट को जो है ना आपको मैच करना है। असम, असम की राजधानी कहाँ पे है, दिसपुर। मिजोरम की आपको राजधानी कहाँ, गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, गांधीनगर। मणिपुर का जो है ना आपको कहाँ पे है, तो ये सब जितने भी राज्य हैं सबसे पहले आपको 2800 के 2800 राज्य जो है ना आपको की राजधानी याद होनी चाहिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले इतना छोटा सा जो है तो आजकल बच्चों को याद रहता है, तो 28 के 28 राज्यों की राजधानी आपको याद होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि मिजोरम की राजधानी आइजोल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। ठीक है, मिजोरम का आइजोल, मणिपुर का इम्फाल और गुजरात का जो है ना आपको गांधीनगर। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिक, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश की जो है ना आपको राजधानी कौन सा है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का जो है ना आपको राजधानी क्या है, ईटानगर। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, जयपुर है। जोधपुर वहां का फेमस सिटी है, इसका मतलब हाँ, राजस्थान का अगर हाईकोर्ट पूछेगा कि आपको राजस्थान का जो है ना उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो राजस्थान का हाईकोर्ट आपको जोधपुर में है, लेकिन इसकी राजधानी आपको राजस्थान की जयपुर में है। आगे की ओर बात करते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, गांधीनगर है।
भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के किन निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो गुजरात का जो कच्छ जिला है, गुजरात का कौन सा जिला? कच्छ जिला, वो आपको सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। गुजरात का कच्छ जिला आपको सबसे बड़ा जिला में आता है, भारत का सबसे बड़ा जिला है। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपको उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है, वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का, इसलिए आपको वहां पे जिलों की संख्या भी सबसे ज्यादा है 75। और इस तरह से गुजरात, आपको मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आपको सबसे अधिक जिले हैं और 75 जिले हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं मिलती है? मैप के जरिए अभी हम लोगों ने देखा था, फिर से मैं आपको मैं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की सीमा भी महाराष्ट्र से लगा हुआ था, ठीक है, उड़ीसा से भी लगा हुआ था, आंध्र प्रदेश के साथ लगा हुआ था, बिहार के साथ इसकी सीमा नहीं लगी हुई थी। तो आपको छत्तीसगढ़ का सीमा जो है ना बिहार के साथ नहीं लगा हुआ है, आपको महाराष्ट्र के साथ जो है ना लगा हुआ है, ठीक है, उड़ीसा के साथ लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश के साथ लगा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं है? तो आपको बिहार के साथ नहीं लगी हुई है, इसलिए सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे की ओर बात करते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको भारत के तीन सबसे बड़े राज्य जो हैं वो सबसे पहले नंबर पे आता है भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको भारत का में दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे आपको कौन सा आता है? मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, और तीसरे नंबर पे आता है आपको महाराष्ट्र, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीनों बड़े राज्यों को हमने देखा। भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीन राज्यों में समाहित है। ये तीन राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीन राज्यों में समाहित है, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत का जो लगभग 30% क्षेत्र है, पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो उसका 30% एरिया, कितना परसेंट एरिया? 30% एरिया आपको तीन राज्य ही कवर कर लेता है। मतलब लगभग एक तिहाई जो है ना आपको क्षेत्रफल तीन राज्य मिलके ही उसको क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। वो तीनों राज्य वही भारत के सबसे तीनों बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके साथ साथ महाराष्ट्र। तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आपको ऑप्शन सी में है, इसलिए ये तीनों राज्य मिलकर के भारत के 30% एरिया को कवर कर लेते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। तो सबसे पहले मैंने अभी जस्ट बताया था आपको भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर पे आपको जो है ना कौन सा है? मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे कौन सा? महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे कौन है? यूपी। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारत के जो आपको सबसे चौथा बड़ा राज्य है वो कौन सा है आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा क्षेत्रफल के अनुसार से चार सबसे बड़े राज्य, पहला पे राजस्थान, दूसरा पे एमपी, तीसरा पे महाराष्ट्र और चौथा पे उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नहीं सम्मिलित है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आपको कौन से राज्य का भाग नहीं आता है? तो आपको पता ही है हरियाणा का भाग जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आपको हरियाणा का भाग आता है, राजस्थान का भाग आता है, उत्तर प्रदेश का भाग आता है, पंजाब का भाग नहीं आता है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजाब का भाग नहीं। हमारे पास है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक। सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? कर्नाटक जो है ना सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे की ओर बात करते हैं, मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो पर्वतीय है। मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो आपको पर्वतीय है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? पर्वतीय है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है।
भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कोहिनूर जो हीरा का जो है हीरा था कोहिनूर हीरा वो आपको आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खानी से ही निकाला गया था, इसीलिए आपको भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? तो झुमरी तलैया जो है ना आपको झारखंड में स्थित है, जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध था, जो कि कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, किसी किसी आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं पीपीएससी एमपीपीएससी एमपी पुलिस बिहार पुलिस चाहे एमटीएस सीजीएल सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली है, तो वही सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? तो कर्नाटक को। सिलिकॉन स्टेट अगर पूछेगा तो कर्नाटका, और अगर पूछेगा कि आपको जो है ना सिलिकॉन वैली कहाँ पे है तो बेंगलुरु में। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह मध्य प्रदेश का सॉरी और किसका अंग है? तो यह महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, तो आपको विदर्भ जो है महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, विदर्भ की टीमें जो है ना आपको मैचे भी खेलती हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि आपको महाराष्ट्र का अंग है आपको विदर्भ। लातूर किस प्रांत में आता है? ये भी आपको महाराष्ट्र में आता है। लातूर किस में आता है? तो लातूर किस प्रांत में आता है? महाराष्ट्र में आता है। आगे की ओर देखते हैं। तो इस तरह से हमने लगभग पूरे क्वेश्चंस देख लिए। हम लोग अब देखते हैं आगे जितने भी सवाल आएंगे वो सारे के सारे आपको प्रतियोगी परीक्षा में ही पूछे हुए सवाल आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वैसे अभ्यर्थी जो इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।